तो राजस्थान के अलवर से आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। और आइए अब आपको पहाड़ की खबरें बताते हैं। उत्तराखंड की बात करेंगे, अपना उत्तराखंड में आपको बताएंगे कि लद्दाख में T-72 टैंक को शोक नदी पार करवाते वक्त भारतीय सेना के 5 जवान शोक नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण शहीद हो गए। देश सेवा में शहीद हुए 5 जवानों में एक शहीद DFR भूपेंद्र नेगी उत्तराखंड राज्य के पौड़ी जिले का रहने वाला था। भूपेंद्र की शहादत की खबर भूपेंद्र के गांव बिशल्ड पहुंचने के बाद गांव में शोक की लहर है। शहीद भूपेंद्र नेगी अपने पीछे अपनी 3 बहन, अपने पिता, पत्नी समेत 2 बेटी, 1 बेटा छोड़ गए हैं। शनिवार को लद्दाख में सैन्य अभ्यास के दौरान हुए हादसे में पौड़ी के भूपेंद्र सिंह नेगी शहीद हो गए थे। सीएम पुष्प सिंह धामी ने भूपेंद्र सिंह नेगी की शहादत को नमन किया है। सीएम ने ईश्वर के दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान देने की कामना की है। सीएम धामी ने भूपेंद्र सिंह नेगी से उनकी माँ भारती की सेवा में सर्वोच्च बलिदान के लिए उनको नमन किया है। आपको बता दें कि शनिवार को लद्दाख में T-72 टैंक को नदी पार करवाते वक्त भारतीय सेना के 5 जवान नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण शहीद हो गए थे। कोटद्वार में 15 किलोमीटर दूर दुगड्डा के पास में ट्रक पर बोल्डर गिरने से शख्स की मौत हो गई है। घटना बीती रात की है जब NH पर जाम में फंसे ट्रक पर बोल्डर गिरने लगे। ट्रक में पीछे 2 सवारी बैठी हुई थी जिसमें से एक की मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। ट्रक सतपुली से दिल्ली की ओर जा रहा था। खबर टिहरी से है जहां पर 2 गाड़ियों की आमने सामने की टक्कर, जोरदार टक्कर और इस सड़क हादसे में 1 शख्स की मौत, 9 लोग घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। तस्वीरें आपके सामने। उत्तराखंड में आज तेज बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने जारी किया है तेज बारिश का अलर्ट। 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल, हरिद्वार और उधमसिंह नगर में तेज बारिश की संभावना है, जिसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट हो गया है। खासतौर पर 4 धाम रोड पर अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस समय। देखिए उत्तराखंड में मॉनसून एंट्री कर चुका है और ये मॉनसून अब लोगों को डराने वाली स्थिति में आ चुका है, क्योंकि अब बारिश ऐसी जहां पर बारिश रुक ही नहीं रही है। पानी सड़कों से लोगों के घरों में पहुंच चुका है। नदियां नाले उफान पर हैं। लोग अपने काम पर नहीं जा पा रहे हैं। बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने भी लोगों से आग्रह किया है कि जब तक कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो तब तक घर से बाहर ना निकले, क्योंकि पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश जारी है। शनिवार को हरिद्वार में गाड़ियों में गंगा नदी में बहने की तस्वीरें सबको हैरान में डाल गई। सूखी नदी के रास्ते पर खड़ी हुई गाड़ियां अचानक से ही पानी के तेज बहाव के कारण बहती हुई नजर आईं। सूखी नदी में आया उफान शांत हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि लोग पैसे बचाने के लिए पार्किंग में गाड़ियां खड़ी नहीं करते हैं और सूखी नदी के किनारे गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से बारिश जब आई गाड़ियां बारिश के पानी के साथ जो नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ था उसमें बहती हुई नजर आईं। हर साल गाड़ियां ऐसे ही पानी में बह जाती हैं। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, कल की तस्वीर और आज की तस्वीर। देखिए आप किस तरह से सैलाब आ गया है। बारिश ने जो दस्तक दी है ये लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। एक तरफ जनजीवन अस्त व्यस्त, वहीं दूसरी तरफ भारी भारी वाहन जो हैं
वो भी इस बढ़ते हुए जलस्तर के साथ बहते हुए नजर आ रहे हैं। ये गाड़ियां 100 रुपये बचाने के कारण आदमी ने इतना बड़ा नुकसान उठाया। ये 100 रुपये बचाने के कारण है खाली, और कुछ नहीं। अगर 100 रुपये अगर बचाते नहीं ना, तो आज इनकी गाड़ी सुरक्षित होती है और पार्किंग में पीछे। ये रही पार्किंग, 10 कदम भी पीछे। हाँ जी, मैं शमशान घाट पर गाड़ी होना है, जो शमशान घाट के आदमी आते हैं ये होती है गाड़ी खड़ी हुई यहाँ। तो ये पार्किंग जो यहाँ खड़ी नहीं कर सकते गाड़ी, पार्किंग तो है पीछे, है पीछे पार्किंग ना, आगे भी है। तो वहाँ पे क्यों नहीं खड़ी करते? पता नहीं भाई क्यों नहीं खड़ी करते, पैसे बचाने के लिए नहीं करते। हाँ, पैसे बचाने के लिए नहीं करते। यहाँ गाड़ी पार्किंग है इधर, और आगे भी है पार्किंग उधर भी। और ये आगे बढ़ते आपको बताते हैं, पहाड़ों में हो रही बारिश से अब नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। चमोली के बद्रीनाथ धाम में भी अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे गांधी घाट और ब्रह्म कपाल तक अलकनंदा नदी का पानी पहुंचने लगा है। उत्तराखंड के प्रथम प्रयाग विष्णु प्रयाग में धौली नदी और अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदियों का जल स्तर भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। इस समय मैं उत्तराखंड के प्रथम प्रयाग विष्णु प्रयाग में मौजूद हूं, और आप देखिए किस तरीके से धीरे धीरे जो अलकनंदा नदी है और जो धौली नदी है उसका जल स्तर यहां पे बढ़ने लगा है। और जो विष्णु प्रयाग का जो घाट है, कुछ दिन बाद अगर तेज़ बारिश होगी तो ये पूरा ढक जाएगा, और कभी कभी जो पानी है जहाँ पर आप अभी तीर्थ यात्रियों को देख रहे हैं वहाँ तक ये पानी पहुँच जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पहाड़ों में जो मानसून की दस्तक है वो कुछ दिन बाद तेज़ी के साथ देखी जाएगी, लेकिन प्री मानसून की अच्छी बारिश के बीच कहीं ना कहीं पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम सुहावना हो गया है। रात को झमाझम बारिश हो रही है, तो दिन में कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी सी राहत बारिश से मिलती हुई दिखाई दे रही है। चारों धाम की यात्रा भी चरम पर चल रही है, हेमकुंड साहिब हो चाहे बद्रीनाथ धाम हो, लगातार यात्रा चरम पर है। नितिन सेमाल, न्यूज 18, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, विष्णुप्रयाग। मॉनसून के एंट्री के साथ ही चारधाम यात्रा में भी कमी देखने को मिल रही है। बरसात के चलते यात्रियों की संख्या में 75% की कमी आई है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा में अब 9,63,000 से ज्यादा रिकॉर्ड यात्री जो दर्शन कर चुके हैं, अब बहुत ही कम यहाँ पर यात्री पहुंच रहे हैं। गंगोत्री में 4,96,000, यमुनोत्री में 4,67,000 से ज्यादा यात्री दर्शन करके जा चुके हैं। बरसात के सीजन में अक्सर ऐसा होता है कि यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए डीएम उत्तरकाशी जरूरी दिशा निर्देश जारी कर देते हैं। अब ऐसे ही निर्देश इस बार भी दे दिए गए हैं, और इसीलिए यहाँ पर अब यात्रियों का आना कम हो गया है। मौसम को देखते हुए अधिकारी यात्रा पर नजर बनाए हुए हैं। और जिस हिसाब से यात्रियों का इस बार अति उत्साह दिख रहा है, लगभग पिछले सालों की तुलना में 1.5 गुना यात्री हमारे रोज पहुंच रहे हैं, और हम लोग उनकी आशाओं के अनुरूप काम कर रहे हैं। अच्छी हो, भव्य हो, सुरक्षित हो और व्यवस्थित हो, ये हमारा उद्देश्य है, ये सरकार का उद्देश्य है, उसी में हम लोग इसमें लगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देहरादून से खबर, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी के मन की बात के कार्यक्रम को सुना है। सीएम धामी ने कहा है कि पीएम मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम लगाने का अभियान शुरू हुआ है, इसे हमने रुकने नहीं दिया और कभी रुकने नहीं देंगे। पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करना ही होगा, तभी इस सृष्टि के ऋण को उतारा जा सकता है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमसे एक अनुरोध किया है कि हम सबको एक पेड़ माँ के नाम लगाना है, इस बार जो हमारा ये मानसून का सीजन आ रहा है, वर्षा का सीजन आ रहा है, इस वर्षा के सीजन में हम सबको वृक्षारोपण के कार्यक्रम में भाग लेना है। जिस प्रकार से आज नदियाँ हमारी सूख रही हैं, स्रोत सूख रहे हैं, धारे नौले गाढ़ गधेरे, जिस प्रकार से उनका एकदम आप समझ लीजिए कि पानी आते आते बंद हो गया है, जो हमारे पहले के समय में आता था, उसको भी पुनर्जीवित करने के लिए जहां उत्तराखंड की सरकार अनेक प्रकार के कामों को आगे बढ़ा रही है, वहां हम सबको भी योगदान देना है।
पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी के सांसद और राष्ट्रीय मीडिया के प्रमुख अनिल बलूनी ने रामनगर में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत उनके साथ मौजूद थे। विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने भी सांसद अनिल बलूनी के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। देखिए, आज चुनाव के कारण पिछले 3 महीने से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लोकप्रिय कार्यक्रम है मन की बात, उसका प्रसारण चुनाव के कारण रुका हुआ था। 3 महीने के बाद फिर से शुरू हुआ है और जिस तरह की आप सब लोग जानते हैं कि एक बिल्कुल गैर राजनीतिक तरीके से समाज के जो मुख्य चीज़ें होती हैं उनके बारे में चर्चा के लिए होता है और पूरा देशवासी बड़ी संख्या में इसका इंतजार कर रहे थे। ये फिर से शुरू हुआ है और समाज के बहुत सारे प्रमुख चीज़ों को लेकर उसमें चर्चा शुरू हुई है। आज पहला मन की बात हुआ है इस बार, तो हम सब ने सुना है और उनके जो पेड़ लगाने का, माँ के नाम पेड़ लगाने का जो संदेश है, सभी लोगों ने संकल्प लिया है, उन सभी संदेशों को आगे जाके हम लोग पूरा करेंगे और आगामी मन की बात का इंतजार बनेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार अजय टम्टा जागेश्वर धाम पहुंचे और पूजा अर्चना की। इसके साथ ही जागेश्वर में हो रहे मास्टर प्लान के काम की समीक्षा भी की। अजय टम्टा ने कहा है कि पीएम मोदी के जागेश्वर आदि कैलाश आने के बाद तेजी से पर्यटन बढ़े हैं, पर्यटक यहां पर तेजी से आ रहे हैं। टम्टा ने यह भी कहा कि जागेश्वर मास्टर प्लान काम में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, पुजारियों और व्यापारियों के लिए बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। सभी के साथ बैठ करके एक प्रकार का सामंजस्य बनाते हुए और भारत सरकार के हमारे जो मंत्रालय है जो इसकी देख रेख करता है, उस जो मंत्रालय के साथ बैठ करके, प्रशासन के साथ बैठ करके किसी को भी अव्यवस्थित ना हो, सबको व्यवस्थित रह करके हम इस मास्टर प्लान को पूरा करेंगे।